संक्रांति का पर्व यूं तो देश के हर हिस्से में मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के बांदा में मकर संक्रांति में केन नदी के किनारे भूरागंज दुर्ग में आशिकों का मेला लगता है। प्रेम को पाने की चाहत में अपने प्राणों की बलि देने वाले नट महाबली के प्रेम मंदिर में खास मकर संक्रांति के दिन हजारों जोड़े विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। पुराने लोगों का मानना है कि इस मंदिर को प्यार का मंदिर भी कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन इस किले के नीचे बने नट बाबा के मंदिर में मेला भी लगता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और खिचड़ी का प्रसाद खाते हुए श्रद्धालु यहां नदी में स्नान करते हैं। भूरागंज के किले में दूर दूर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं में मंदिर में प्रसाद चढ़ाया व दरगाह पर फतह दिलाकर मन्नत मांगी जाती है। आइए अब हम आपको बता दें कि किस तरह एक राजा ने धोखे से नट को मारकर अपनी पुत्री के प्यार को छीन लिया था। आखिर क्या राज है इस अजब रिवाज का? खास मकर संक्रांति के दिन बांदा शहर के किनारे केन नदी के उस पार बने भूरागंज दुर्ग के ठीक नीचे हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और किले के प्राचीर की नींव पर ही एक मंदिर अचानक आस्था के केंद्र में बदल जाता है। जी हाँ, ये नट महाबली का मंदिर है। ये वो मंदिर है जहाँ आने वालों की हर मन्नत पूरी होने की मान्यता है। इस मंदिर में विराजमान नट बाबा भले इतिहास में दर्ज ना हो, लेकिन बुंदेलियों के दिलों में नट बाबा के बलिदान की अमिट छाप है। ये जगह आशिकों के लिए किसी इबादत गाह से कम नहीं। मकर संक्रांति के मौके पर शादीशुदा जोड़े यहां आशीर्वाद लेने आते हैं। इस किले में केवल बांदा के ही नहीं बल्कि दूर दूर से युवा युवतियां और साधु संत यहां आते हैं और प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। इसलिए इस मंदिर व किले को प्यार का मंदिर कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानियों व लोगों ने इस किले में बने शहीदों की इमारत में हजारों साल पहले शहीद हुए शहीदों के स्मारक में अगरबत्ती व पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों का कहना है कि इस किले में 800 लोग शहीद हुए थे। बांदा की केन नदी में श्रद्धालु हर साल डुबकी लगाकर स्नान कर ब्राह्मण व गरीबों को दान दक्षिणा और खिचड़ी बांटते हैं। मान्यता है कि 600 वर्ष पूर्व महोबा जनपद के सुगीरा के रहने वाले नोने अर्जुन सिंह भूरागंज के दुर्ग के किरेदार थे। यहीं से कुछ दूर मध्य प्रदेश के सरबई गांव के एक नट जाति का 21 वर्षीय युवा बीरन किले में ही नौकर था, जो कि नाचने गाने का काम करता था। किलेदार की एक पुत्री थी, उसका प्रेम उस नाचने गाने वाले नटबली से हो गया था। नटबली ब्रह्मचारी और तपस्वी था। राजा किलेदार की बेटी को इसी नट बीरन से प्यार हो गया और जब इस प्रेम प्रसंग की चर्चा राजा को चली तो राजा ने मंत्रियों से सलाह बरसवा कर नटबली से शर्त रखी कि अगर तुम नदी के उस पार बांबेश्वर पर्वत से किले तक नदी तक का सफर सूत कच्चे धागे की रस्सी पर चढ़कर पार करते हुए किले तक आ जाओगे तो तुम्हारी शादी राजकुमारी से करा दी जाएगी। नटबली जानता था कि एक धागे में पैर रखकर नदी से किले का सफर नामुमकिन है, पर प्यार की खातिर नटबली ने ये शर्त मान ली। प्रेमी नट ने ये शर्त स्वीकार कर ली और फिर शर्त पूरी करने का दिन आया और खास मकर संक्रांति के दिन नटबली ने अपनी तपस्या और विद्या से एक धागे को रेशम में परिवर्तित करके केन नदी से किले तक बांध दिया व सफर पूरा करने लगा। नटबली ने आधे से भी ज्यादा सफर रेशम के धागे में पूरा कर लिया तो मंत्रियों ने किलेदार से कहा कि किलेदार जी, ये नटबली को सफर पूरा करने वाला है, अब इस नचिए से आपको अपनी पुत्री से शादी करनी पड़ जाएगी। तभी किलेदार नोने अर्जुन सिंह ने किले की दीवार से बंधे सूत को काटने का प्रयास किया। राजा ने तलवार चाकू भाला सबका प्रयोग किया पर रेशम का धागा ना टूटा। फिर राजा ने चमड़ा काटने वाला फलसा से धागा काट दिया जिससे नट बीरन ऊंचाई से चट्टानों में गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। जैसे ही किले की खिड़की से किलेदार की बेटी ने जब अपने प्रेमी की मौत देखी तो वह भी किले से कूद गई और उसी चट्टान में उसकी भी मौत हो गई। किले के नीचे ही दोनों प्रेमी युगल की समाधि बना दी गई, जो बाद में मंदिर में बदल गई। आज ये नट महाबली का मंदिर सिद्ध मंदिर माना जाता है। इस मेले में जिलाधिकारी हीरालाल ने निरीक्षण किया तथा कथा हवन कंबल वितरण करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आते हैं और मेले में अपना भाईचारा बढ़ता है। और किले की देखरेख करते हुए कहा कि ये टूरिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट का एक स्थल भी है, इसे टूरिस्ट प्लेस में विकसित करना चाहते हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए एक परियोजना में ले रही है।
खैर, कहते हैं कि प्यार भगवान का रूप होता है, पर जब प्यार में धोखा हो तो ये जानलेवा भी बन जाता है। ये भी नटबलिए की प्रेम कहानी की दास्तां, जो कि सदियों से आज तक न ही कभी भूली गई और न ही कभी भूली जाएगी। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। किस पर्पस से आप यहाँ आए हुए हैं? तो मकर संक्रांति पे ये जो स्थल है नटबलि जी का, दो दिवसीय मेला होता है, यहाँ भीड़ बहुत होती है, और ये हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक स्थल भी है। इसके पूर्व भी मैं आया हूँ एक आध बार। इसको हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको हम लोग एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज भी मेरा आने का पर्पज यही है कि मकर संक्रांति को देखना कि यहाँ क्या व्यवस्था है, भीड़ कितनी होती है, यहाँ क्या और व्यवस्था अच्छी की जा सकती है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि एक अच्छा मेला है, आसपास के काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, और इस मकर संक्रांति के अवसर पर ये मेला लोगों को जोड़ता है, भाईचारा बढ़ाता है, और इसको डेवलप करने के लिए एक परियोजना में हम लोग इसको ले रहे हैं।